सरफराज ही नहीं पूरी टीम धोखा दे गई। काली आंधी के आगे शाहीन उड़ान भूल गए। पूरी टीम 105 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। हदफ के ताकुब में वेस्टइंडीज की बैटिंग जारी। शाहीनों का मेगा इवेंट के पहले मैच में फ्लॉप बैटिंग शो। एक के बाद एक खिलाड़ी आउट। इमामुल हक 2, अमाद वसीम 1, हारिस सोहेल 8, सरफराज 8, प्रोफेसर 16, शादाब खान 0, फखर जमान 22 और बाबर आजम भी 22 रन से आगे ना बढ़ सके। और इंडसाई में कोटला नसीर के करीब मुसाफिर कोच उलट गई। खातून समय 3 मुसाफिर जामहक, 8 जख्मी। हादसा मोटरसाइकिल को बचाते हुए पेश आया। सरफराज ही नहीं पूरी टीम धोखा दे गई। काली आंधी के आगे शाहीन उड़ान भूल गए। पूरी टीम 105 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। हदफ के ताकुब में वेस्टइंडीज की बैटिंग जारी। शाहीनों का मेगा इवेंट के पहले मैच में फ्लॉप बैटिंग शो। एक के बाद एक खिलाड़ी आउट। इमामुल हक 2, अमाद वसीम 1, हारिस सोहेल 8, सरफराज 8, प्रोफेसर 16, शादाब खान 0, फखर जमान 22 और बाबर आजम भी 22 रन से आगे ना बढ़ सके। और इंडसाई में कोटला नसीर के करीब मुसाफिर कोच उलट गई। खातून समय 3 मुसाफिर जामहक, 8 जख्मी। हादसा मोटरसाइकिल को बचाते हुए पेश आया। और अब की बारी फिर हमारी। क्रिकेट की आलमी जंग में पाकिस्तानी टीम आज पहली बार मैदान में उतरेगी। शाहीनों का मुकाबला है वेस्टइंडीज से। मैच शुरू होने में तकरीबन 2.25 घंटे बाकी हैं। सरफराज 11 के 12 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया है। शोएब मलिक टीम का हिस्सा नहीं है। फखर जमान और मुस्तकिल मिजाज इमामुल हक की जोड़ी ओपनिंग करेगी। वन डाउन पर इन फॉर्म बल्लेबाज बाबर आजम आएंगे, जबकि इसके बाद मोहम्मद हफीज का तजर्बा चलेगा। मिडल ऑर्डर में हारिस सोहेल और आसिफ अली भी शामिल हैं। हसन अली और शादाब खान बॉलिंग के साथ धुआंधार बैटिंग भी कर सकते हैं। मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज की जोड़ी बल्लेबाजों के लिए खौफ बनी हुई है, लेकिन आज हारिस सोहेल, आसिफ अली और हसन अली में से कौन ड्रॉप होगा, इसका फैसला मैच से कबल होगा। पाकिस्तान मेगा इवन में अपना पहला मैच आज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान हकमी स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी तवज्जो का मरकज है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। 51.31 की औसत और 98.14 की स्ट्राइक रेट के साथ खतरनाक तरीन बल्लेबाज हैं। 67 की औसत और 96.85 का स्ट्राइक रेट है। 9 सेंचुरियां और 12 मिस सेंचुरियां भी बना रखी हैं। और साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कौमी क्रिकेट टीम को मुफीद मशवरे देते हुए कहा है की खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज के खिलाफ खुलकर खेलना चाहिए, जो डर गया वो मर गया। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम ने कहा है कि ग्राउंड एक साइड से छोटी है और विकेट फ्लैट है, इसलिए ज्यादा स्कोर होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। भी होता है बंदा, थोड़ा सा बटरफ्लाइज भी होती है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी होती है कि क्या होगा। और ऑफकोर्स इसी के लिए एज अ प्लेयर आप इसी मौकों की तलाश में रहते हो कि किस तरह वर्ल्ड कप आया मैं परफॉर्म करूं। यू नो, इसी तरह हम सोचते थे, इसी तरह आजकल के जो प्लेयर्स हैं वो सोचते हैं कि वर्ल्ड कप इज द अल्टीमेट। तो पार स्कोर तो 370 है, नो डाउट कि ग्राउंड एक साइड से छोटी है, विकेट फ्लैट है। बट अगेन यू नो, एज अ प्लेयर आप कभी जाते नहीं कि ग्राउंड में हमें क्या हुआ था 2 साल पहले। मजीद आपको बताएंगे, कौमी क्रिकेट टीम का आज पहला मैच वेस्ट इंडीज के साथ होगा। स्टार बल्लेबाज हसन अली कहने खाना भी बेसब्री से मैच का इंतजार कर रहे हैं। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज जाहिद इकबाल राणा से, जो इस वक्त हसन अली के वालिद के साथ मौजूद हैं। जाहिद, आगाह कीजिएगा। क्रिकेट की हुक्मरानी के लिए गोरों के देश में जंग का आगाज हो चुका है और आज टीम पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलने जा रही है, जिसमें उसका मुकाबला वेस्टइंडीज के साथ होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज का मैच 2:30 बजे दिखाया जाएगा, जबकि शायक इन्हें क्रिकेट की अगर बात करें तो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। और अगर गुजरांवाला की बात करें तो यहाँ के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो बेसब्री के साथ आज के होने वाले मैच को इंतज़ार करते दिखाई दे रहे हैं। अभी भी मैं फास्ट बॉलर जो दुनिया क्रिकेट के
फास्ट बॉलर हैं, हसन अली उनके घर में मौजूद हैं, उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप ये बताएं कि आज पाकिस्तान का पहला मैच है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, हसन अली कैसा खेलेगा आज? इंशाल्लाह ताला हसन अली अकेला नहीं है, हमारे 11 बेटे इंशाल्लाह ताला मैदान में उतरेंगे और काली आंधी को गिराएंगे और अच्छी परफॉर्म करेंगे। बैट्समैन भी अच्छे हैं और बॉलर भी अच्छे हैं, इंशाल्लाह ताला अच्छी परफॉर्म करेंगे, अच्छी परफॉर्म देकर जीतेंगे और अब की बारी फिर हमारी। जी बिल्कुल, ये जज्बात हैं एक वालिद के जिनका कहना था कि आज हसन अली अकेला मैदान में नहीं बल्कि उनके 11 बेटे मैदान में उतरेंगे और काली आंधी को विकटें भी उड़ाएंगे और चौके छक्कों की बरसात भी करेंगे। इनका ये भी कहना है कि आज पाकिस्तानी टीम जो है वो अपनी जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज़ करेगी, जबकि शहर भर की अगर बात करें तो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं पहलवानों के, शहर के जो शहरी हैं खिलाड़ी हैं वो काफ़ी पुरजोश हैं, जिनका कहना है कि पाकिस्तान आज कामयाबी के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज़ करेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और नाज़रीन, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की मुख्तलिफ टीम्स के खिलाफ हालिया कारकर्दगी पर अगर एक नज़र डालें तो भी वेस्ट इंडीज़ को सबकत हासिल है। मेगा इवेंट से पहले 2019 वर्ल्ड कप पर कराची के क्रिकेट शायकीन ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से खासी उम्मीदें बांध ली हैं। शायकीन ने क्रिकेट कहते हैं कि सरफराज वर्ल्ड में कुछ कमाल ज़रूर दिखाएंगे। बहुत अच्छे बैट्समैन के साथ साथ बहुत अच्छे कैप्टन भी हैं और मेरा यही ख्याल है कि सरफराज अपनी टीम को बहुत अच्छा लेकर चलते हैं, जैसे कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स में आप लोगों ने PSL 4 में देखा। इंशाल्लाह जिस तरीके से उनका तरीक़ेकार है वो बहुत अच्छे से टीम को लेकर चल रहे हैं, तो जब पिछले लास्ट टाइम चैम्पियन ट्रॉफी जितवाई है तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेलेंगे, उम्मीद तो अच्छे की है। हर टीम मेंबर को जो अपना एक पार्टिसिपेशन जो है वो देनी चाहिए, क्योंकि वैसे सरफराज जो है वो धोखा तो नहीं दे सकता और ना देगा, लेकिन फिर भी अगर सबकी मेहनत होगी तभी जो है वो एक हम जीत भी सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ है और इंशाल्लाह सरफराज ये वर्ल्ड कप इमरान खान की तरह जीत के लाएगा और इंशाल्लाह फ़खर जमान जो हमारे मेन प्लेयर है बाबर आजम, इनसे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है, जैसे शुएब मलिक है, हसन अली, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के लाएगा। और पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज साबिक और मौजूदा स्टार्स ने शाहीनों को मशवरे दिए हैं। साबिक कप्तान मिसबाल हक का कहना है कि आज के मैच में स्पिनर्स का किरदार अहम होगा। उमर गुल का कहना है कि कौमी टीम को इंग्लैंड सीरीज जहन से निकाल कर मैदान में उतरना होगा। अहमद शहजाद कहते हैं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स को जारिहाना हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। टाइम पे कॉन्फिडेंस वाइज तो बहुत लो है पाकिस्तान और इस चीज का एज वेस्ट इंडीज को होगा डेफिनेटली, वो देखेंगे हाँ जी इस टाइम पाकिस्तान जो है वो डिफरेंट किस्म की मतलब नेगेटिव चीज़ों में, जब आप जीत नहीं रहे होते तो आप पे प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, तो इसको वेस्ट इंडियन जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। बट एट द सेम टाइम हमारा वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है और स्पेशली जो हमारे दो स्पिनर्स हैं वो वाइडर रोल प्ले कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है आप उसको इजी नहीं ले सकते, बल्कि वर्ल्ड कप में किसी भी टीम को आप इजी नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी स्पेशली जो वेस्ट इंडीज़ की जो बैटिंग है आपको पता है कि लिमिटेड ओवर के बड़े ख़तरनाक प्लेयर्स हैं, स्पेशली उसमें T20 प्लेयर्स हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला वो दे विल डू वंडर्स, जिस तरह उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी में किया था, जिस तरह हम लोग 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीते थे, उसी तरह इंशाल्लाह ताला ये वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। और मुझसे पहले भी क्वेश्चन हुआ कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, 4 टीमें, मुझे तो पाकिस्तान के अलावा और कोई टीम नज़र ही नहीं आती और कोई जवाब बनता नहीं है कि पाकिस्तान जीत ना पाए। नेचुरल वर्सेस टैलेंटेड टीम, वो नेचुरल है, हम लोग टैलेंटेड टीम है, वो अपने नेचुरल पर खेलते हैं, आया वो उसी हिसाब से खेलते हैं जैसे गेल वगैरह हैं या रसल आ गया, हम टैलेंटेड भी हैं और साथ में अल्लाह ताला ने हमें दूसरी चीज़ें भी दी हुई हैं। वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है कि ऑन डे अगर वो कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, पर क्रिकेट है 50 ओवर गेम है तो इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, किसी भी टीम को अगर वो क्लैप्स करती है तो वो सेटल डाउन कर सकती है, तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है कि ऑन डे दोनों डेंजरस हैं। और वर्ल्ड कप का बुखार लाहौरियों के सर पर सवार, सख्त गर्मी में भी वर्ल्ड कप के लिए वीजा लेने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। क्रिकेटर अहमद शहजाद भी वीजे के हुसूल के लिए धक्कों से बच न सके। क्रिकेट शायकीन ने अहमद शहजाद को भी लाइन में लगने पर मजबूर कर दिया। तो ये मनाजिर आपके सामने, वर्ल्ड कप का ये बुखार है, लाहौरी भी सबसे आगे है, खिलाड़ी ही नहीं लाहौरी भी सर पर इनके सवार है ये वर्ल्ड कप का बुखार। सख्त गर्मी में भी वर्ल्ड कप के लिए वीजा लेने के लिए लंबी लंबी
لیے قطار رکھ سکتے ہیں اور کرکٹر احمد شہزاد بھی ویزے کے حصول کے لیے دھکوں سے بچ نہ سکے۔ کرکٹر شائقین نے احمد شہزاد کو بھی لائن میں لگنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ ہیں احمد شہزاد اور ان کے ساتھ ہیں یہ لاہوری جو کہ بیتاب ہیں ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے۔ سخت گرمی میں بھی ورلڈ کپ کے لیے ویزا لینے کے لیے لمبی قطاریں لگ گئیں۔